ज्ञान के मार्ग में पीछा नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान के साथ और पाइए अच्छे अच्छे ज्ञानवर्धक जानकारियाँ। दोस्तों, पिपरमिंट का नाम सुनते ही च्यूइंग गम याद आता है, ऐना। इस पिपरमिंट को हिंदी में विलायती पुदीना भी कहते हैं। आयुर्वेद में पिपरमिंट के पत्तों का प्रयोग कई तरह के बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मूल रूप से यूरोप में पाया जाने वाला पौधा है। पिपरमिंट का दर्द निवारक गुण कई तरह के बीमारियों से राहत दिलाने में मदद करता है, जैसे दांतों का दर्द, पेट का दर्द, सर का दर्द, पेट की गड़बड़ी आदि। दोस्तों, चलिए आगे जानते हैं कि पिपरमिंट खाने के अलावा किन किन बीमारियों के लिए उपचार स्वरूप प्रयोग किया जाता है। इससे पहले आइए जानते हैं आखिर पिपरमिंट क्या है। पिपरमिंट अर्थात पुदीना अत्यंत सुगंधित क्षुप होता है। इसके तेल और रस आदि का इस्तेमाल चिकित्सा में किया जाता है। यह एक 30 से 60 सेंटीमीटर ऊंचा सीधा सुगंधित पौधा होता है। इसका तना सीधा बैंगनी हरे रंग का, चार कोनों वाला तथा शाखा प्रशाखा युक्त होता है। पिपरमिंट एंटीसेप्टिक, रोगाणु को फैलने से रोकने वाला, दर्द निवारक और हजम शक्ति बढ़ाने में मददगार होता है। यह गठिया के दर्द में फायदेमंद होने के अलावा उल्टी रोकने में भी सहायता करता है। इसका तेल अल्प पुरोधी, पायरिया में लाभकारी, पित्तवर्धक, पित्त को बढ़ाने वाला, जीवाणुरोधी तथा कीटनाशक होता है। इसके अलावा पिपरमिंट का तेल दर्द निवारक भी होता है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं अन्य भाषाओं में पिपरमिंट के नाम। पिपरमिंट का वानस्पतिक नाम मेंथा पिपेरिता, साइंटिफिक नाम मेंथा बोल्समी विल्ड होता है। पिपरमिंट का कुल लेमिएसी होता है। पिपरमिंट को अंग्रेजी में पेपरमिंट कहते हैं, लेकिन भारत के अन्य प्रांतों में अनेक नामों से इसको पुकारा जाता है। संस्कृत में सुंदित पत्र, हिंदी में पिपरमिंट, गोमथी, विलायती पुदीना, पेपरमिंट, ओरिया में पुदीना, उर्दू में फिलफिल, लाना इत्यादि नामों से जाना जाता है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं पुदीना के आयुर्वेदिक फायदे आखिर किन किन रोगों के लिए होता है। पुदीना का प्रयोग जानकारी बताने से पहले आप सभी दर्शकों से छोटी सी निवेदन है, अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले। दोस्तों, अब आइए जानते हैं पेपरमिंट के आयुर्वेदिक फायदे। पेपरमिंट का एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक और पेनकिलर आदि गुण कई तरह के बीमारियों के लिए फायदेमंद साबित होता है। चलिए इसके बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं। पहला, दोस्तों, सिर दर्द में लाभकारी है। पुदीना दिन भर काम के तनाव के वजह से या मौसम के कारण सिर दर्द से सबको कभी न कभी परेशान होना पड़ता है, तो पेपरमिंट पंचांग को पीसकर मस्तक पर लगाने से सिर दर्द कम होता है। पेपरमिंट का प्रयोग दांत दर्द में फायदेमंद है। दोस्तों, आजकल बच्चे से लेकर बूढ़े सभी दांत दर्द से किसी न किसी समय परेशान होते ही हैं। सबसे अहम बात यह है कि दांत दर्द होने पर लोग घरेलू उपाय ही सबसे पहले उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, दांत दर्द से छुटकारा पाने के लिए पेपरमिंट के क्रिस्टल को दांतों के बीच में रखकर दबाने से दांत दर्द में लाभ होता है। सर्दी में फायदेमंद है पेपरमिंट। दोस्तों, साल भर में जब भी मौसम में उतार चढ़ाव होता है तो सर्दी सबको अपने चपेट में ले लेती है। सर्दी से आराम दिलाने में पेपरमिंट बहुत ही गुणकारी होता है। पेपरमिंट का बफारा या भाप लेने से सर्दी आदि कफ वाले बीमारियों से राहत मिलती है। दोस्तों, पेपरमिंट के सेवन से दस्त पर भी रोक होता है। खाने पीने में लापरवाही हुई कि नहीं, दस्त होना शुरू हो जाता है। दस्त होने पर पिपरमिंट का सेवन इस तरह से करने पर लाभ मिलता है। पिपरमिंट के पत्तों का काढ़ा बनाकर 5 से 10 मिलीलीटर मात्रा में पीने से मरोड़युक्त अतिसार या दस्त, पेट संबंधी समस्या तथा पेट दर्द में लाभ मिलता है। दोस्तों, जठरांत्र, पेट संबंधी समस्या से राहत दिलाए पिपरमिंट। जैसा कि पहले ही पता चल गया है कि पिपरमिंट पेट संबंधी रोगों में बहुत ही फायदेमंद होता है। पिपरमिंट तेल का प्रयोग जठरांत्र विकार यानी पेट संबंधी रोगों के चिकित्सा में किया जाता है। पेट दर्द में फायदेमंद है पिपरमिंट। दोस्तों, अक्सर मसालेदार खाना या ज्यादा खाना खा लेने से पेट में गैस हो जाता है, जो पेट दर्द का कारण बन जाता है। घर में पेट दर्द से जल्द आराम पाने के लिए 25 मिलीग्राम पिपरमिंट के निचोड़ में शक्कर मिलाकर सेवन करने से पेट दर्द से राहत मिलती है। आमवात के दर्द या रूमेटाइड अर्थराइटिस से राहत दिलाते हैं पेपरमिंट। दोस्तों, चींटी आदि कीटों के काटने से होने वाली दर्द से तुरंत राहत पाने के लिए पेपरमिंट का प्रयोग इस तरह करना चाहिए। पेपरमिंट के पत्तों को पीसकर दर्द वाले स्थान पर लगाने से दर्द से राहत मिलती है।
दर्द को दूर करने में सहायक होते हैं। पेपरमिंट दोस्तों, चींटी आदि कीटों के काटने से होने वाली दर्द से तुरंत राहत पाने के लिए पेपरमिंट का प्रयोग इस तरह करना चाहिए। पेपरमिंट के पत्तों को पीसकर दर्द वाले स्थान पर लगाने से दर्द से राहत मिलती है। तो दोस्तों, ये थी पुदीना से मिलने वाली आयुर्वेदिक फायदे। दोस्तों अब आइए जानते हैं पिपरमिंट का उपयोगी भाग कौन कौन से है। तो दोस्तों, आयुर्वेद में पिपरमिंट के पत्ते और तेल का औषधि के रूप में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, पेपरमिंट का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? बीमारी के लिए पिपरमिंट के सेवन और इस्तेमाल का तरीका पहले ही बताया गया है। अगर आप किसी खास बीमारी के इलाज के लिए पिपरमिंट का उपयोग कर रहे हैं तो आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह जरूर लें। तो दोस्तों, अब आइए जानते हैं पेपरमिंट कहाँ पाया और उगाया जाता है। तो दोस्तों, पुदीना समस्त भारत में, यह बाग बगीचों में, विशेष रूप से यह उत्तर भारत तथा कश्मीर में लगाया जाता है। तो दोस्तों, ये थे आज की छोटी सी जानकारी। यह जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, कमेंट में अपना नाम और राशि जरूर लिखना ताकि आने वाले समय में आपको आपके राशि के अनुसार हम उपाय और सुझाव बता सके। वीडियो को आगे शेयर करना न भूले। आपके एक छोटे से प्रयास किसी की जीवन में खुशहाली ला सकता है। जय श्री राम। धन्यवाद।